स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के लिए। मुंबई के जायफलवाड़ी ताड़देव एमपी मिल कंपाउंड में एसआरए नाम के प्रोजेक्ट पर किया गया गरीबों पर अत्याचार, जिसका जायजा लेने त्री स्टार न्यूज की टीम पहुंची। बताया गया कि यहां पर कुछ घर बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया, मिलकर इन के ऊपर अत्याचार किया गया। आज हम ताड़देव एमपी मिल कंपाउंड में जो पुलिस वसाहत के यहाँ पे जो न्यू जायफलवाड़ी है, यहाँ पे हम आए हुए हैं। शेख इशरत, मेरा घर बगैर नोटिस से तोड़ा है, बगैर बोले हुए, बुरी तरीके से। सामान भी मेरा गया और सब तोड़ फोड़ किया, सोसाइटी के लोगों ने अंदर आने ही नहीं दिया। अच्छा, तो आपने उनसे उनके साथ कुछ बातचीत किया? बहुत किया, तो दो दिन तो मुझे दे दो, लड़के का पेपर है। अच्छा। मेरा दसवीं में लड़का है, उसका पेपर चालू है, दो दिन दे दो। अच्छा। पर नहीं दिया उसने दो दिन। अच्छा। और नल का पाइप निकाला। हाँ। वो बिजली का खंभा, ये जो है एक म्यूनसिपालिटी का, ये भी निकाल दिया। अच्छा, फिलहाल आप अभी कहाँ पे रहते हो? रस्ते वो जगह अंधेरे में। अभी आप कहाँ पे रहते हो? रस्ते उधर के साथ क्या हुआ भाई? आपका नाम क्या है? अशोक जीवा बुढ़िया मेरा नाम है। हाँ। और मैं यहाँ जन्मा हुआ। हाँ। अच्छा, 69 का हमारा स्कूल का दाखिला भी है। हाँ। यहाँ का। और हमको 5 बच्चे है। हाँ। औरत है, एक बहू है। अच्छा। लाइट बिल 551 का पावती एग्रीमेंट फायर बिल्डर का। और फिर भी वहाँ पे कुलाबा गए हम, तो वो लोग ने हमको है ना, वो मैडम है ना, उसने बेघर कर दिया। बोलता है तुमको तुम्हारा घर खाली कर देना पड़ेगा। और मेरी बच्ची अभी पेट से है। उसको भी मारा पुलिस लोगों ने। अच्छा, उसको भी पुलिस लोगों ने मारा। देख रहे आप, पुलिस लोगों ने मारा। और उनको और ये मेरे बच्चे को, ये मेरे बच्चे को भी पुलिस ने अंदर, इतने छोटे बच्चे को भी बंद करके रखा और झोपड़ा तोड़ दिया। वो लोग को लेडीज पुलिस ने लाके, उन्होंने ना वो, तो हमारी ये सुनवाई सुनो साहब, हमारे पर न्याय करो कुछ। देखो ये हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी ये लोग हमारे पे अन्याय करते हैं। गुगे साहब, यहाँ के जो कमेटी मेंबर्स चेयरमैन वो है राम मालकर है, और एक तो मैडम हमको बेहाल कर दिया, जो कलेक्टर की मैडम थी। कलेक्टर की। अच्छा, ऑल कस्टम में। अच्छा, उप जिला अधिकारी। उप जिला अधिकारी। अच्छा अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब यहाँ पे आपके घर तोड़ने आ गया, तब कौन कौन ऑफिसर थे आप बता सकते हैं क्या? नहीं साहब, साहब लोग का नाम तो हमको मालूम नहीं, कौन से ऑफिसर है। अच्छा। बिल्डर का एक वकील है। हाँ। वो था। हाँ। और उनका भी नाम हमको मालूम नहीं, वो वहाँ पे था मैडम के साथ में, कुलाबा ऑफिस सर, ओल्ड कस्टम में। अच्छा। वो बैठा हुआ था वहाँ पे। हाँ। और हमको मैडम ने बोला तुमको तुम्हारा हक मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल तुम तुम्हारा घर तोड़ दो, तोड़ने के लिए। अच्छा। दे दो क्योंकि उनको जरूरत है बिल्डर की। अच्छा। बिल्डर को ये जमीन की। अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे? अच्छा, वो लिया हुआ था। लेने के बावजूद भी आपका रूम तोड़ दिया गया है, कोर्ट की ऑर्डर कॉपी दिखाई दिया। हाँ, वहाँ पे सब पूरा डॉक्यूमेंट्स मैंने वहाँ दिया। आपने दिया था। हमारा घर तोड़ने आने वाले। हाँ। तो आप कुछ करो। तो उन्होंने बोला थोड़ा टाइम रुको, हम लोग कुछ करते हैं। यहाँ पे मेरी बच्ची को पेट से है, उसको मारा। हाँ। इसको गाड़ी में बिठाया पुलिस ने। हाँ। और वैसा करके बाहर निकाल के उसको घर तोड़ दिया, रूम तोड़। मेरा नाम लाभू काशीराम। अच्छा, आप यहाँ से कब से रह रहे हो? हम लोग 20 साल पहले से रह रहे हैं, बहुत जूना से रह रहे हैं। अच्छा, आपका भी रूम क्या तोड़ दिया गया है? नोटिस का तोड़ा है हम लोग। नोटिस से तोड़ा है। अच्छा, हमने सुना था कि यहाँ पे किसी बच्चे ने पॉइजन पी लिया था। मेरा लड़के ने पिया था। अच्छा, आपका लड़के का नाम क्या था? नरसिंह हिरुगामिया। अच्छा, उसने पॉइजन क्यों पिया था? झोपड़ा टूट गया, उसका टैंक चला गया, हम लोग रोड में पड़ा है। अच्छा, झोपड़ा
झोपड़ा तोड़ दिया, उसका बाद रोड में आ गया है, उसको टेंशन में ऊपर मेरे को ध्यान भी नहीं रहा, उसने पी लिया। अच्छा, मंगल पर्वत जी लोढ़ा के पास मैं गया था, तो मंगल पर्वत जी लोढ़ा ने क्या बोला, बोलता है क्या हम ये मामले के अंदर कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, कोर्ट के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, साहब हम आपको इलेक्शन देते हैं और आपको जीता के लेके आते हैं, तो आप हमको ये हक क्यों नहीं दिलवा रहे। तो बोलते हैं क्या तुम जाओ, हमको इतना चिट्ठी लिख के दिया। मेरा नाम लता किशन पटेल। लता किशन पटेल, अच्छा आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? मैं 95 से रह रही हूँ। 95 से रह रहे हो? अच्छा, जो इन लोगों के जो झोपड़े तोड़ दिए गए, तभी आप यहाँ पे थी? नहीं थी मैं। आप नहीं थी? नहीं थी, मेरे को तो पहले ही ये लोग ने दे दिया था चाबी, तो मैं लेके चली गई थी रूम पे। अच्छा, मेरे को वैसा तोड़ने को बोला था लोग ने, मगर तोड़ा नहीं मेरा, मेरे को चौकी में बुलाया था, मैं चौकी में गई, चौकी में जाके बोली कि साहब मेरे को मुद्दत चाहिए कि इतना टाइम में मैं तोड़ेगी तभी मेरे को बोलो कि मैं जब ही जाएगी, मगर मेरे को पूरा प्रूफ चाहिए मेरा। अच्छा, ऐसा कि मैं इधर से चली जाओ बाद में मेरे को वहाँ से बेघर करो, ये मेरे को नहीं चलेगा। अच्छा, तो ऐसा बोला कि सामने ये सब नहीं होगा, तेरे को सब दिया है ताबा पत्र, ये सब चाबी, वो कोई तेरे को तकलीफ नहीं है। तो मैं चली गई। अच्छा, चली जाने के बाद उसी दिन मेरा घर तोड़ा, उसी दिन सामान खाली गया, उस दिन तोड़ डाला। तो आपने इनके साथ अन्याय किया है? किया, ये अन्याय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये गरीब के साथ अन्याय होता है तो फिर बाद में नगर से आवे कोई आवे हम उसको बख्शेंगे नहीं। अच्छा, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, ये लोग बिल्कुल नहीं देख रहे। इनको पहला गरीब लोग के ऊपर देखना चाहिए कि आज इनकी ये दशा है, तो मैं इनको कुछ तो मदद करना चाहिए। अच्छा, या नहीं, या तो या घर नहीं दे रहा है तो उनके घर की कीमत है, उनको घर लेके दो, कल पुलिस आएंगे उसको भगा देंगे, यहाँ से निकलो, यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे, ये बच्चे लेके पड़े खुलेआम पड़े, मच्छर है, ये बीमारी फैलती है फैलती, कहाँ जाएंगे? अगर वो कुछ ज्यादा कम हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? ये नगर सेवक लोग है, पुलिस वाले आएंगे डंडे मारेंगे निकाल देंगे हमको, ऊपर से कानून है हमारा, हमको बोला हम गए तो वो कौन करेगा? आप इनको जो भी हो, जो भी है कैसा भी हो, इनको मिलना चाहिए। यहाँ के स्थानिक नगर सेवक, यहाँ के स्थानिक आमदार और यहाँ के बिल्डर और यहाँ की जो सोसाइटी, इन सब लोगों ने मिलकर इन घरों गरीबों के पेट पे, इन गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाया है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। आप देख सकते हो किस प्रकार इनके पास ये ऑर्डर होने के बावजूद किस प्रकार अंधाधुंधी का काम वहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पे अंधाधुंधी कारोबार, अंधाधुंधी काम चल रहा है। बल्कि स्टे होने के बाद काम रोक दिया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काम चल रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी बीजेपी सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री है माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, जो आज हमारे सरकार को, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ना कोई सरकार को गवर्नमेंट चला के बिल्डर इन सरकार को चल रहा है और बिल्डर के बलबूते पे ये सरकार चल रही है, इसलिए ये सरकार और ये बिल्डर मिलके गरीबों के ऊपर तानाशाही कर रही है, गरीबों को छोपे को तोड़ रही है और गरीबों के ऊपर रस्ते पर ला रही है। और ना ही इनके ऊपर कोई देखने वाला, इनका कोई माए बाप है, जो भी कुछ है बस यहाँ के लोग, स्थानिक लोग और गरीब लोग जो उनके साथ में जुड़े हैं, जैसे महिलाएं, उन्होंने आज इनकी साइड लेके जो बोला है कि इनको घर मिलना चाहिए। मैं ऑर्डर होने के बावजूद भी बिल्डर लोबी और कलेक्टर के लोग और म्यूनिसिपलिटी के लोग, महानगर पालिका के लोग, MLA, MP, ये सब लोग, चोर लोगों ने मिलकर गरीबों को बेघर किया है। तो मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जज को अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी अगर ये लोग आपका स्टे ऑर्डर न मानते हुए भी ये कर रहे हैं तो सबको जेल में डालो और सब ये गरीबों को न्याय दिला दो। इस तोड़काम के खिलाफ डीम स्टे मिलने के बाद भी एक तोड़काम अभी भी चालू है, वो आप लोग सब देख रहे हैं, वो अन्याय है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, क्योंकि ये कोर्ट का अपमान है और कोर्ट के अपमान के खिलाफ जो जो गैर कानूनी काम किए गए हैं, वो MLA हो, MP हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो सबको जेल में डालना चाहिए। मैं घर पर थी, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे सविता पाटिल के पास, लेकिन उन्होंने न्याय नहीं किया हमारे ऊपर और मुझे घर पे आके दोनों को, भाई बहन को दोनों को मारा, बहुत मारा। कौन मारा? लेडीज पुलिस वाली लोग ने। अच्छा। हाँ, तो भाई को बाहर भगा दे, पकड़ के जेल में डाल रहे थे और मैं अकेले घर पे थी, लड़की को भी छीन के उसको भी मारा, बोलते फेंक दो ऐसा बोला। उनको मालूम था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो भी उन लोग ने मेरे पे हाथ उठाया, हाथ पकड़ के बाल खींच के इधर बिठा दिया। अच्छा, बाल खींच के? हाँ, मेरे को पेट में दुख रहा था उस टाइम पर, जब तभी भी वो लोग मेरे पे हाथ छोड़
रही थी जब भी मार रहे थे। अच्छा, और बेहतरीनली ज्यादा से ज्यादा स्लम के मैटर मेरे पास रहते हैं और जो रीडेवलपमेंट के भी मैटर मैं हैंडल करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक के अभी हमने सुना है कि आप जो दार्जिल एमपी मिल कंपाउंड में जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी आप ही फाइट कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए भी मैंने दो स्लम अपील फाइल किए हैं। अच्छा। जो बिफोर एडिशनल कलेक्टर मुंबई सिटी कुलाबा, उनके सामने पेंडिंग है। अभी अभी का उनका स्टेटस क्या है? अभी दोनों असलम अपील एडमिट है। हाँ। और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ एडमिशन ऑफ दिस अपील उसमें से जो डेप्यूटी कलेक्टर है जो कुलाबा के एनकरेजमेंट डिपार्टमेंट के, उन्होंने ड्यूरिंग द पेंडिंग स्लम अपील उन दोनों स्लम डवेलर के स्ट्रक्चर तोड़ दिए। उन्हें अगर मन पे ले लिया तो मैं भी एडिशनल कलेक्टर एज अपेलेट अथॉरिटी डेप्यूटी कलेक्टर के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी निकाल सकता है, निकालना चाहता है। और उन्होंने निकालनी ही चाहिए कि उनका अपील उनके सामने पेंडिंग होने के बावजूद, एडमिट होने के बावजूद भी उन्होंने जो गरीब लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले लिया है। मैटर में मुझे ऐसे ही लगा क्योंकि मैं इतने सारे मैटर अलग अलग से जो कोर्ट में फाइल करता हूँ, लड़ता हूँ, या मैंने जहाँ जहाँ ये मैटर स्लम अपील फाइल किए उसमें ये मेरी पहली केस है कि अपील फाइल होने के बावजूद भी ओनली बिकॉज ऑफ द डेवलपर ये एक्शन ले लिया गया है। और इसके लिए उस सोसाइटी के मेंबर्स और डेवलपर और जो डिपार्टमेंट है, जो एनकरेजमेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है कुलाबा का डेप्यूटी कलेक्टर, वो उसमें सारे जन शामिल है कि महाराष्ट्र शासन ने जो नया जीआर निकाला जो 22 जुलाई 2001 का, उस जीआर में भी स्पेसिफिक अभी प्रोटेक्शन 1/1/2000 के पहले जो रहने वाले उनको प्रोटेक्शन दे दिया गया है। और एसआरए के प्रोजेक्ट में जो 91/1/95 का प्रोटेक्शन जो आगे जाके बढ़ा गया है, और जो पहले मेंबर बिकॉज ऑफ 1995 के डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं थे और 1/1/2000 के डॉक्यूमेंट उनके पास है, तो उनको पहले उनकी पहले एलिबिलिटी डिसाइड करनी चाहिए थी, उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन देना चाहिए था, बाद में उनके झोपड़े तोड़ने चाहिए थे। तो इसमें जो डेप्यूटी कलेक्टर एनक्रोचमेंट जिन्होंने एक्शन लिया है, उनके साथ जो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर है जिन्होंने एक्शन ले लिया है, इनको जिस इनके जो पत्र व्यवहार पे जो पुलिस प्रोटेक्शन जिन्होंने दे दिया उनके ऊपर एक्शन ली जाएगी। और जब ये डेमोलिशन हो रहा था तो मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने भी कुछ फुटेज ले लिए थे। मेरे तो सुनने में ये भी आ गया है कि मेरे जो एक क्लाइंट है उनके एक बड़े लड़के ने कुछ तो ये मतलब दवा पी ली थी, पॉइजन पी लिया था, उससे उनकी उनकी मानसिक स्थिति अभी बहुत खराब है। और ये सारी चीजें मैं कोर्ट के सामने लाने वाला हूँ। मतलब ये अगर मतलब वहाँ जो हुआ है उसके बारे में कुछ मैं अवगत नहीं हूँ, पर अगर कायदे से कहा जाए तो इविक्शन प्रोसीडिंग में भी अगर लेडी को इविक्शन करना है, जो लेडी मेंबर होती है घर में, तो उनके इविक्शन प्रोसीडिंग के लिए लेडी ऑफिसर ही होना चाहिए। दूसरी बात, प्रेग्नेंट औरत को इस तरह की आपने जो कहा इस तरह की क्या बोलते हैं आप उसे मारपीट करना, ये करना, ये पूरी गलत बात है। और ये स्त्री के लिए अवहेलना जैसी बात हो गई। जो विकास है उसको अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए उसने जिन जिन स्ट्रक्चर तोड़े, मेरे पास तो दो स्लम अपील थे पर वहाँ बहुत सारे झोपड़े तोड़े, उसने पहले सबको एलिजिबल डिक्लेयर करके लेना चाहिए था। अगर उसको रीडेवलपमेंट करना होता तो उसको पहले अल्टरनेट ट्रांजिट कैंप में जगह देनी चाहिए थी उन सबको, और बाद में उसको विकास काम में आगे बढ़ाना चाहिए था। कि विकासक के बहकावे में आके जो ये डिपार्टमेंट वाले जो कार्रवाई करते ये पूरी तरह से गलत है। तो उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई तो होगी, इनके ऊपर अगर अपील कर दी एडिशनल कलेक्टर जो अपील ऑफिसर है, इनके हाथ में भी है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की, उससे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कहा जा सकता है। ओके, मैं सुनील महाकाल कैमरामैन इब्राहिम अख्तर के साथ।